यूपीएससी क्लास 10 क्लास 12 टर्म 1 एग्जामिनेशंस। आई डोंट नो कि आप लोगों का एग्जाम चल रहा है या कॉमेडी नाइट्स विद कपिल चल रहा है। आप लोगों के कितने ज्यादा क्वेश्चंस में गलतियां आ रही हैं सीबीएसई की तरफ से, एंड आप लोग जो है खामखा टेंशन लेकर बैठ रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरे आंसर्स गलत हो गए हैं, मेरे ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, खामखा आप लोग टेंशन ले रहे हैं। बहुत बड़ी अपडेट एक और आप लोगों के लिए आ चुकी है। अब तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि फिजिक्स क्लास 12 का पेपर भी लीक हो चुका है, जो कि अभी तक यह अनऑफिशियल है, पर अगर आप यूट्यूब पर देखें, विशाल सर हो, अनुराग सर हो, चाहे कोई भी टीचर्स इसके मैटर पर बात कर रहे हैं कि क्या सच में फिजिक्स पेपर लीक हुआ है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी क्लास 10 के साइंस पेपर पहले ही लीक हो चुके थे। और तो और एक बहुत बड़ा नोटिस आया है आप लोगों के लिए 7 तारीख, जिसमें लिखा गया था कि आप लोग कैपिटल लेटर्स में भरेंगे, उसकी भी सच्चाई बाहर आ चुकी है। तो आप बताइए ये एग्जाम हो रहा है या कॉमेडी हो रहा है, कहीं पे पेपर लीक हो जा रही है, पर कैसे भी करके कोई बच्चे को पहले से ही आंसर पता रहता है। पिछले दिन जो हादसा हुआ है सीबीएसई के हिस्ट्री में, ऐसा पहली बार हुआ है कि आप लोग सिर्फ 12 या 13 ही आंसर की उनके सही थे। मतलब सीबीएसई ने जो आंसर की प्रोवाइड किया था उसमें से 28 जो क्वेश्चंस उन लोगों ने आंसर की दिया था पूरा कंप्लीटली गलत था। अब ऐसे में क्या हुआ, 2 घंटे तक चेकिंग चला, 2 घंटे तक, आप सोच सकते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पर कि स्टूडेंट्स जो थे उन लोगों ने बहुत ही अच्छा स्कोर, मतलब जब पेपर देखा गया, पूरा एनालिसिस आया है कि टीचर्स ने देखा किसी बच्चों को 11, 10, 12 इतना ही मिल पा रहा है, लैक ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हुए, और लाखों बच्चों का किसी का 30 के ऊपर नहीं आया, वो भी हिंदी पेपर में। तो फिर से जो रीवेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि सारा आंसर की ही गलत है। और अब पेपर लीक का बात, पर उससे पहले आप लोग इस छोटी सी वीडियो को देखिए, मैं आप लोगों को और भी इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में बताना चाहूंगा। डियर क्लास 10, आपके इंग्लिश एग्जाम के लिए सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं, कुछ ही घंटे, एंड आप इसको एंटायरली एक फाइनल रिवीजन दे सकते हैं। कहां पर? ओनली ऑन अनअकैडमी, जहां पर ये फ्री रिवीजन टेस्ट है आप लोगों के लिए, जहां पर इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर्स क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। एंड आप लोग ट्रस्ट मी, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स के ये सारे टीचर्स हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर लो। ये फ्री एंड लाइव रिवीजन सेशन होने जा रहा है, एंटायर सिलेबस क्विकली रिवाइज होगा, साथ साथ एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताया जाएगा एंड पेपर एनालिसिस भी होगा। तो इंतजार किस बात का, मैंने सारे जो लिंक्स हैं क्लास 10 इंग्लिश, याद रखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, साथ साथ मेरा कोड जो है मियां भाई। अगर आप लोग ऐसा सोचोगे कि आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए तो कोड यूज कर डालो एंड अपना डिस्काउंट भी ले लो। तो जल्द से जल्द एनरोल करो, जल्द से जल्द मैं रिकमेंड करूंगा। क्लास 10 इंग्लिश का पेपर कल है, कुछ समय बचा है, जल्दी एनरोल कर लो, फ्री टेस्ट दे दो, प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा, कल 40 out of 40 एकदम कंफर्म है। तब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, अनअकैडमी के आज 6 साल पूरे हो चुके हैं एंड इट्स टाइम टू ओपन द सरप्राइज बॉक्स। अगर आप लोग आज के दिन कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन या कोई भी कोर्स या बैचेस खरीदते हैं 12 मंथ्स या 12 मंथ से ज्यादा, तो आपको 6 मंथ का कंप्लीट फ्री मिलेगा, कंप्लीटली फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। आप 6 मंथ कंप्लीटली फ्री आप इस कोर्स एंड बैचेस को पा सकते हैं, ले सकते हैं, और वो भी हमारा कोड हाईलाइट हो रहा होगा ऑन स्क्रीन मियां भाई, जिसे आप यूज करके 10% का और एक्स्ट्रा जो बेनिफिट उठा सकते हैं, हर एक सब्सक्रिप्शन पे 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चीज को मान चुके हैं कि टर्म 1 उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे टर्म 1 एग्जाम को कम्प्लीटली मजाक बना दिया जाए। बात सही है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। हम लोग चारों तरफ से देख रहे हैं कि हर तरफ से, बस आप लोग अगर मीडिया हाउसेस के रिपोर्ट्स देखोगे तो हर पेपर में ही लिख कर आ रहा है बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर, बैलेंस्ड। पर इनसाइड घुस के देखो कि स्टूडेंट्स क्या बता रहे हैं, कितने कंप्लेन कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर सही नहीं था, कभी लेंदी था, कभी हार्ड था, लेजिस्लेचर वगैरह में कंप्लेंस हो रहे हैं, पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं। तो आखिर हो क्या रहा है, एग्जाम चल रहा है या बाहुबली 3 का शूटिंग का प्रिपरेशन चल रहा है, स्टूडेंट्स का लड़ाई चल रहा है, हर तरफ से डिमांड उठ रहा है स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स बता दो कि वो सेटिस्फाई है अपने इस एग्जाम से, हर स्टूडेंट से ये कंप्लेन है। तो आप लोगों को एक बात बता दूं, इसके ऊपर अनुराग सर ने भी टिप्पणी किया है, अनुराग सर ने भी वीडियो बनाया है कि स्कूलों से खबर आ रही है कि एक तो आपका पेपर लीक का बात है, ये अनऑफिशियल हमें अभी तक पता है, दूसरा एक और कॉमेडी बात कि न्यूज में ऐसा आ रहा है कि अनऑफिशियल की आंसर्स की प्रोवाइड किए गए हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं इन आंसर्स को ना देखें, लेकिन सीबीएसई का खुद का ऑफिशियल आंसर की गलत आ रहा है, तो आप किस पे ट्रस्ट करोगे। एनीवेज, अब जो 7 तारीख को आपको एक नोटिस मिला था, आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे होंगे, 7 तारीख को इसमें एक बड़ा बवाल हुआ, आप लोगों को शायद पता नहीं है कि स्कूलों ने क्या किया था, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। स्कूलों ने, बहुत सारे स्कूलों ने स्टूडेंट्स को बता दिया था कि आप लोग जो बॉक्स है, बॉक्स उसमें सिर्फ सी लिख देना। देखो स्कूल वाले क्या रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, स्कूल वालों को भी पता है कि हमारा रिपुटेशन हमें बचाना है, टर्म 1 उतना वैल्यूएबल नहीं है, यहाँ से परसेंटेज उठा के टर्म 2 में डाला जाएगा। तो सिंस स्कूल वाले चाहते हैं कि इनका रिपुटेशन बढ़ जाए, अच्छा बढ़ जाए, तो इन लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया कि आप लोग सिर्फ बॉक्स में सी लिख दो। सी को वो बी भी कर सकते हैं, ए भी बना सकते हैं, है ना, सी लिखने पर, और कुछ ऑप्शन लिखने से अलग बात है, और बाकी आंसर जो सी हो गया सो सी हो ही गया। तो स्कूलों ने रिकमेंड कर दिया स्टूडेंट्स को कि जो उनको नहीं आएगा वो सी कर देंगे, और जिनको नहीं आएगा कंप्लीटली सी लिखकर ही पेपर छोड़ देंगे, बाकी टीचर अपना मैनेज कर लेंगे, टीचर ही जब कॉपी चेकिंग करेंगे उसको बना बना के स्टूडेंट्स को नंबर दे देंगे। तो अब आप लोग बताओ कि ये क्या हो रहा है, कंप्लीटली चारों तरफ से आपको ऐसा ही कुछ
बस मिल रहा होगा, इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं मिलेगा कि कहीं पेपर लीक हो गया है तो कहीं पर आंसर्स ये हो जा रहे हैं वो हो जा रहे हैं। तो आपको किसी चीज को, आपको बेसिकली स्टूडेंट्स को किसी चीज का टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आपका कोई फॉल्ट नहीं है, आप कंप्लीटली टेंशन फ्री रहो। मिलते हैं अगली अपडेट में, थैंक यू सो मच। बहुत सारे रिपोर्टर्स ने इसके ऊपर कंप्लेन किया, पेरेंट्स ने कंप्लेन किया, स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया, ये सी लिखने वाले मैटर को। ऑलरेडी तो पेपर वगैरह लीक हो रहे हैं तो कंप्लेंस जा रहे हैं, तो सीबीएसई के पास जैसे ही ये कंप्लेन गया, सीबीएसई खुद का रेपुटेशन बचाने के लिए 7 तारीख को ये नोटिस जारी कर दी कि आप सबको कैपिटल लेटर में ओएमआर शीट भरना है। कैपिटल लेटर ए कैपिटल बी आप लोगों को याद है, 7 तारीख का नोटिस जाकर देख लेना कि वहां पर इसीलिए सीबीएसई ने जारी कर दिया कि आप सबको कैपिटल लेटर में आंसर देना है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। तो मिलते हैं अगली अपडेट में, थैंक यू सो मच।